नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं बीके कंप्यूटर ज्ञान चैनल। चलिए आज के इस वीडियो पे समझने वाले हैं वायरस क्या है और एंटीवायरस क्या है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल से वायरस और एंटीवायरस के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हमारा वीडियो आते ही रहते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वायरस है क्या, वायरस कहां से आया है, वायरस क्या काम करता है, इसके बारे फुल डिटेल से इस वीडियो पे आपको मिलने वाला है। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आपको फुल डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को प्रॉब्लम देता है, खराब करने का काम करता है वायरस। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि वायरस कितने प्रकार का है और वायरस कैसे खराब करता है कंप्यूटर या लैपटॉप को। तो सबसे पहले आता है मालवेयर वायरस। मालवेयर वायरस मतलब देखते हैं कि इसका लक्षण है कि कोई भी हम लोग फाइल बनाए हैं तो दो तीन फाइल ऑटोमेटिक बन के आ जाता है या दो तीन फोल्डर देखते हैं कि सामने पे आ जाता है, तो ये मालवेयर वायरस के कारण ही आ पाता है। अब दूसरा पे आता है कि वार्म वायरस। वार्म वायरस देखते हैं क्योंकि कोई भी फाइल खोल रहे हैं तो इस प्रकार से घूम रहा है कर्सर, तो घूम घूम के 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, तो ये वार्म वायरस के कारण ही हो पाता है। तीसरा है ट्रोजन वायरस। ट्रोजन वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। ये वायरस ऐसा है ना कि कोई भी हम लोग फोल्डर या जो भी वीडियो है ना, वीडियो को पूरी तरह से खत्म कर देता है, पूरा खा जाता है ट्रोजन वायरस। इतना खतरनाक वायरस है ट्रोजन वायरस। चौथा वायरस है स्पेयर वायरस। स्पेयर वायरस का काम है कि आप देखते हैं कि कोई भी नेट में ओपन कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे जा रहा है और जाके खड़ा हो गया है, आगे चल ही नहीं पा रहा है, तो स्पेयर वायरस का ही लक्षण है। पांचवें नंबर पर है एडवेयर वायरस। एडवेयर वायरस आप देखते हैं इसी प्रकार का कुछ न कुछ आपको लक्षण दिखाई देगा। ये सारा लगभग सबका काम है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी को स्लो करना, हैंग करना, खराब करना, पूरा तरह से इन्फेक्ट करना, ये वायरस के कारण ही। चलिए अब हम लोग एंटीवायरस के बारे समझते हैं। एंटीवायरस है क्या, एंटीवायरस कैसे काम करता है, एंटीवायरस का कितना प्रकार है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जिस प्रकार से आपका शरीर में फीवर हो जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी, जुकाम, जो भी कुछ शरीर बदन दर्द होता है, तब क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपको इंजेक्शन देता है या गोलियां देता है। जो भी गोली खा के इंजेक्शन लेके आप ठीक हो जाते हैं, वो वायरस से अब बच जाते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर, पीसी को बचाने के लिए एंटीवायरस की जरूरत पड़ता है। तो एंटीवायरस कितना प्रकार का है हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे एंटीवायरस है, हम 4-5 का अभी नाम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आता है क्विकिन, उसके बाद आता है नोटन, उसके बाद आता है माइकेप है, उसके बाद आता है K7, उसके बाद आता है कैसपर्स का, उसके बाद आता है गार्जियन। इस प्रकार से बहुत सारे एंटीवायरस अपना कंपनी बना के रखे हुए हैं। किसी भी एक को आप चूज करके एंटीवायरस परचेज करके अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारे चैनल पर अगर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।